नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइट लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। देश में बढ़ती महंगाई से जनता त्राहिमाम है। विपक्ष सरकार को घेर रही है तो सरकारी पार्टी के नेता बेतुके बयान दे रहे हैं। बात हम कर रहे हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की। उनसे जब गैस सिलेंडर की बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में सिलेंडर बंद हो जाएगा और सोलर से चूल्हा जलेगा। केंद्र में जो विदेशों से आ रहा है उस पर हम लोगों का बस नहीं है और इसी कारण भारत सरकार ने अभी एक सूर्य नूतन करके एक नया गैस ये स्टोव निकाला है जो सौर ऊर्जा से चलेगा और उसमें थर्मल बैटरी भी रहेगी। यह अपने आप में भारत की जनता को नरेंद्र मोदी जी का एक अनूठा तोहफा है और शीघ्र आप 2 सालों में देखिएगा कि यह इतनी बड़ी क्रांति लाएगी कि घरों से LPG सिलेंडर रिप्लेस हो करके यह सूर्य नूतन जो गैस स्टोव है जो कि सोलर से भी चलेगा और उसमें थर्मल बैटरी लगी हुई है कि जब सूरज नहीं रहे तो रात में भी चले। और पहले जो सूरज को लेकर दिक्कत होती थी कि महिलाओं को सूर्य की रोशनी में खाना बनाना पड़ता था, अब उसके बदले उनके रसोई घर में यह गैस स्टोव रहेगा और सूरज से रोशनी चलेगी। यह जो रिन्यूएबल के क्षेत्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश को सोलर और वायु के भरोसे जो किया है यह एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि विदेश में क्या होता है वह हमारे हाथ में नहीं है। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि मार्च 2014 में जब भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं आई थी तब LPG सिलेंडर की कीमत मात्र 410 रुपए थी, लेकिन मार्च 2023 आते आते सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए हो गई, यानी तिगुना दाम बढ़ गए। ऐसी स्थिति में संजय जायसवाल के सोलर से चूल्हा जलाने वाले बयान को बेतुका ही कहा जा सकता है। ये वही भाजपा है जिसके नेता सत्ता पाने से पहले LPG की महंगाई के खिलाफ सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठते थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करने वाली तस्वीर आज भी विपक्ष के नेता भाजपा का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वही भाजपा आज LPG के बढ़ते दामों पर लीपापोती करने में जुटी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइट लाइव।